सो बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ जो कि आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो IIT, नीट, इवन जो आपका बोर्ड का एग्जाम है 11th, 12th, 10th, 9th, ये सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ विच इज रिलेटेड टू द अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उससे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आए जो कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट वे में समझेंगे। तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए इसको देखते हैं। पहली चीज, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में टाइपिकल एलिमेंट्स, सो टाइपिकल एलिमेंट्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीरियड नंबर 2 और 3 की, यानी कि यहाँ पे हम लोग सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, ये होते हैं हमारे पीरियड 2 और 3 के मेंबर, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट का काम क्या होता है, ये ब्रिज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेतु। तो ब्रिज एलिमेंट जो होते हैं, सेतु तत्व जो होते हैं, वो पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर बात करनी है तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में हमारे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। इट मींस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब है हम बेसिकली सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो ज्यादातर रिएक्शन हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल को ही कंसिडर कर सकते हैं, करते ही है। नोबल गैस को यहाँ पे एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमारे जो है एस और पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स होंगे। मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस ऑन अर्थ, अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी गैस है, वो भी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब नोबल गैस या नोबल गैस के अलावा उसको जीरो गैस भी बोल सकते हैं, 3 नाम होते हैं। इनर्ट का मतलब जो अक्रियशील हो, मतलब वो किसी से भी रिएक्टिव ना हो। सो मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा ऐसी इनर्ट गैस कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन है यहाँ पर, ये मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ होता है, बट अगर मैं बात करूं मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो है गैस है वो हीलियम है, ऑर्गन नहीं है। हीलियम इसलिए क्योंकि अगर आप बात करें तो हीलियम जो है हमारे यूनिवर्स में जो है स्पेस में बहुत पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो सन है वो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस से ही मिलकर बना है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं मात्रा में हीलियम गैस ही पाई जाती है। तो अब इस वजह से वहां पे स्पेस में हीलियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सो ये हमारे पूरे अगर यूनिवर्स की बात करेंगे देन वी हैव आंसर की हीलियम होगा। ओके, अब इधर देखते हैं, अगर अब यहां पर बात करी जाए तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस है जो मोस्ट एबंडेंट है, तो ये है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो कि आप सब जानते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स जो होगा हमारे अर्थ क्रस्ट पे वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, बहुत सारी फंक्शन को परफॉर्म करने में यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन जो है वेरी नेसेसरी। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, याद रखिएगा सबसे ज्यादा, अगर आपने दिमाग लगाया कि आयरन होता है बच्चा, तो आयरन रॉन्ग है आंसर, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट जो भी मेटल होता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे वो एल्यूमिनियम होता है, AL, ठीक है, कभी भी आयरन मत सोचिएगा, ठीक है। ओके, बाद वो सेकेंड मोस्ट होता है। नोबल मेटल्स, नोबल गैसेस तो पता है सबको कि ऑर्गन होती है, हीलियम होती है, और आपकी ये नियॉन होती है, ठीक है, बट यहाँ पे ज़िनॉन और क्रिप्टॉन इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स में अगर हम बात करें तो हम उन मेटल्स को बोलेंगे जिनसे बहुत सारे क्या है वैल्यूएबल चीजें बनाई जाती हैं, एलॉयज बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सिल्वर है हमारा, गोल्ड है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, इरिडियम है, रोडियम है, रूबीडियम है, ये सारे होते हैं, ठीक है। बट आप बेसिकली इतने याद रखिए, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड पैलेडियम, पैलेडियम, तो ये सारे याद रखिएगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब इसका पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, सो ओके, टेक केयर, बाय बाय, और हम लोग मिलते हैं कल नए सेशन में।